मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। लाली वॉज सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्ट्रिंग, हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज गेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मतलब मृदु धीरे से विंडो के पास आती है, देखती है कि लाली वो सिटिंग, लाली जो है वहाँ पर बैठी हुई है थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन बोस्ट्रिंग, मतलब उसने अजीब तरीके से वायलिन को और उसकी बोस्ट्रिंग मतलब उसके तारों को, वायलिन के तारों को पकड़ रखा है। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज गेज्ड विद कंसंट्रेशन, उसकी एल्बो जो है, कोनी जो है थोड़ी सी बाहर निकली हुई है और उसकी आईज जो है वो अपनी आँखों से बहुत ज़्यादा पूरे एकाग्रता के साथ में देख रही है। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। उसके सामने की तरफ एक इंसान बैठा है जो कि बोनी फिगर है, मतलब कि बहुत पतला दुबला सा है म्यूजिक मास्टर, जिसका विंडो की तरफ से काफ़ी हमें बैक, उसको बैक नज़र आ रहा है। Was he had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft, मतलब कि वो जो म्यूजिक मास्टर है पतला सा, उसने उसका सिर जो है काफ़ी हद तक गंजा है, बैल मतलब गंजा है, और उसके जितने भी बाल हैं जो कि उसके कानों के चारों तरफ लटक रहे हैं वो ऑयली हेयर हैं और ब्लैक हैं, और उसने एक पुराने तरीके की धोती पहन रखी है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। अब उनके गले में एक गोल्ड की चेन चमक रही है, उनका गला कैसा है, लेदरी मतलब बहुत ही रफ़ सा गला है, नेक की जो स्किन है वो एकदम रफ़ है, और उन्होंने एक डायमंड रिंग पहन रखी है जो कि हाथों में चमक रही है, और जो उनकी चमक ऊपर नीचे हो रही है जैसे कि जैसे वो वायलिन बजा रहे हैं वैसे उसकी हाथ की अंगूठी की चमक भी जो है वो अप एंड डाउन कर रही है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, मतलब उस एक बड़ा सा पैर जो है उनका फुट जो है वो दिखाई दे रहा है, स्टक आउट मतलब निकला हुआ दिखाई दे रहा है उनकी धोती के अंदर से। जो धोती कैसी है, धोती में गोल्डन बॉर्डर लगा हुआ है, उसके एजेस पर गोल्डन बॉर्डर लगा हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टू, और वो वायलिन की धुन के साथ साथ ही फ्लोर पे अपना बड़ा सा अंगूठा जो है उसको बार बार टैप कर रहे हैं, फुट के ऊपर बजा रहे हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। वो कुछ म्यूज़िक के कुछ नोट्स बजा रहे हैं उसके वायलिन के ऊपर, लाली जो है वो उसको उनके साथ में फॉलो करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार उससे गलती हो रही है, स्टम्बल मतलब बार बार मिस्टेक करना, गलती करना। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी अनहैप्पी है और बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं कर पा रही, सही से नहीं बजा पा रही है, तो काफ़ी हेल्पलेस सी और अनहैप्पी सी दिखाई दे रही है। What a difference the music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. अब ये यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कितना डिफरेंस है म्यूज़िक मास्टर का, जो नोट्स बजा रहे हैं, जो भी वो म्यूज़िक बजा रहे हैं वो जो है हवा में इस तरीके से इनविजिबल ट्रैक्स जो हैं उसके अदृश्य जो स्वर हैं वो हवा में बिल्कुल फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, मेलोडियस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुरीले लग रहे हैं, और उसके अपोजिट ही लाली के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट है, मतलब वो बिल्कुल भी उनको फॉलो नहीं कर पा रही है।
It was like the wheels of a train fitting smoothly into the It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. अब उस वो कह रहा है कि वो इस तरीके से स्मूथली वायलिन बजा रहे हैं जैसे कि ट्रेन जो है वो स्मूथली रन करती है ट्रैक के ऊपर, वैसे ही उनके जो सुर हैं वो बिल्कुल स्मूथली सुनाई दे रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं. ये कौन कह रहा है? ये रवि कह रहा है. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बिरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक. मृदु जो है वो देख रही है कि ये जो यूज मतलब बड़े, बिरिंग मतलब हाथ उनके बड़े हैं और उसके अंदर क्या है, रिंग है, बिरिंग मतलब रिंग पहने हुए, और किस तरीके से बिना एफर्ट लगाए, बिना कोई फोर्स लगाए वो वायलिन को बजा रहे हैं स्मूथली, और एक बहुत ही सुरीला म्यूज़िक निकल के आ रहा है. स्क्वैक देर वॉज लालीज डिरेलिंग अगेन. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. अब अचानक से एक आवाज़ आती है, जैसे क्रीच की आवाज़ आई थी उस तरीके से आवाज़ आती है स्क्वैक. फिर से जो लाली जो है वो बजाने की कोशिश कर रही है लेकिन उससे बिल्कुल भी सही तरीके से म्यूज़िक नहीं बज रहा है, ना ही वायलिन अच्छे से बजा पा रही है. और दरवाजे से बोलने की किसी की आवाज़ आती है, अम्मा अम्मा ओ. ये साउंड वहाँ से किसी की बोलने की, अम्मा अम्मा बोलने की आवाज़ वहाँ से गेट की तरफ से सुनाई देती है. रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम बैक वेरेंडा. रवि को उसकी मम्मी आवाज़ देती हैं, उनकी मदर आवाज़ देती हैं कि उस बेगर को, उस भिखारी को जो है वापस भेज दो. और उसकी मदर कहाँ पे हैं, वेरेंडा है जो पिछवाड़े में, वहाँ पर वो हैं और वहाँ से आवाज़ दे रही हैं. वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पर वो बातचीत कर रही हैं विद तापी, तापी के साथ में बातचीत कर रही हैं. ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. वो कह रही हैं कि वो रोज़ाना, पिछले हफ्ते से रोज़ाना यहाँ पर आ रहा है. कौन, किसके बारे में बात हो रही है, भिखारी के बारे में. इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. अब समय आ गया है कि वो दूसरा घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए. पाती एक्सप्लेन टू तापी. पाती जो है वो तापी को सारी बातें बता रही हैं कि भिखारी रोज़ आ रहा है और हमारा घर उसने ढूंढ लिया है भीख मांगने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना जो है वो दोनों भी रवि के पीछे पीछे जाती हैं. द बेकर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन एंड मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और उस समय तक बेगर जो है पहले ही घर के गार्डन में पहुंच चुका है और वो घर के अंदर आ चुका है. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक एंड अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द एम्स टू अपीयर. गो अवे, सेड रवि स्टर्नली. अब मृदु और मीना भी रवि के साथ साथ जाती हैं पीछे पीछे, और बेगर आ चुका है अंदर और उसने अपना कपड़ा जो है वो अपर क्लोथ जो है उसका वो स्प्रेड कर दिया, बिछा दिया है नीम ट्री के नीचे, और वहाँ पे वो लेटने की तैयारी कर रहा है. छोटी स्नूज मतलब छोटी सी नींद लेने की तैयारी कर रहा है, ऐसा जाहिर हो रहा था. अपेरेंटली मतलब ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो एक नींद लेने की तैयारी कर रहा है. और जब तक कि वो सोच रहा है कोई आए कुछ लेकर कुछ देने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ. वो अवे, सेड रवि स्टर्नली. रवि जो है वो चिल्लाकर बोलता है बेगर को कि यहाँ से चले जाइए. माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग. अब वो बोल रहा है कि मेरी पाती कह रही है, मतलब मेरी मदर कह रही है कि अब आपको नया घर मिल गया है भीख मांगने के, यहाँ से चले जाइए. द बेगर